जो धीरेन्द्र दास महाराज जी इस समय सबसे बड़े दासो ही हैं, डायरेक्ट हनुमान से उनकी बातचीत हुआ करती है और यही स्थिति रह गई तो धीरेन्द्र इस देश के राष्ट्रपति बनेंगे। माननीय मोदी जी जब आप दे देंगे आरटीआई को, आरटीआई आपको स्पष्टीकरण देगा, दे देगा कि राम के 5 बाप थे कि राम के 1 बाप थे, और मेरे हिसाब से राम के बाप थे ही नहीं। अब देखिए यही बात 3 हो गई। आज हमारे चैनल पर बहुजन समाज के जननायक और विरहा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान राजकुमार यादव जी आए हुए हैं। सर, हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, मेरा क्वेश्चन आज आपसे रहेगा कि श्री रामचंद्र जी के पिताजी 1 थे या 5 थे ये आप बताएंगे, मगर धीरेन्द्र शास्त्री जी जो नए नए संत आए हुए हैं वो बोले हैं कि राम जी के 5 पिता हैं, तो क्या सत्य है कि असत्य है? हम तो कह रहे हैं कि यार आरटीआई लगा दो, आरटीआई लगा के आरटीआई में ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ेगा, आरटीआई लगा के ये मांग लो और मोदी से जवाब मांग लेंगे। माननीय मोदी जी जवाब दे देंगे आरटीआई को, आरटीआई आपको स्पष्टीकरण देगा, दे देगा कि राम के 5 बाप थे कि राम के 1 बाप थे, और मेरे हिसाब से राम के बाप थे ही नहीं। अब देखिए यही बात 3 हो गई। मगर सर, ये तो गाली, अरे सुनो, गाली हो कुछ भी हो, राम को कुछ भी करो, कहाँ राम बेचारू पूछाया हो तुम्हें, उनके गाड़ी दा, उनका सम्मान करा, उनके माला फूट चढ़ावा, चाहे उनके उठा के कहीं फेंक दा, वो कहाँ पूछने ही आ रहे हैं। लेकिन जो धीरेन्द्र दास महाराज जी इस समय सबसे बड़े दासो ही हैं, डायरेक्ट हनुमान से उनकी बातचीत हुआ करती है और यही स्थिति रह गई तो धीरेन्द्र इस देश के राष्ट्रपति बनेंगे। ये बदे कि इस देश में भड़ुओं की इतनी बड़ी जनसंख्या हो गई है, वो बात राजकुमार कह देते, स्वामी प्रसाद मौर्या कह देते, राजेंद्र पाल गौतम कह देते, नहीं लक्ष्मण यादव कह देते, तो अब तक ये सब उतार देते चढ़िए। लेकिन धीरेन्द्र दास कहें इसलिए वो नहीं बोल रहे हैं। अब धीरेन्द्र दास कहते हैं कि राम के 5 बाप थे, इनका ग्रंथ कहता है कि राम के बाप दशरथ थे, मैं कहता हूं कि राम के पास बापे नहीं थे, राम बाप से पैदा ही नहीं थे, राम के जो बाप थे मतलब पदन मानल जाए, राम के जो बाप थे वो हिरणी से पैदा थे, उनका नाम श्रृंगी ऋषि था, वो आठों अंग के टेढ़े मेढ़े थे, ऐसे श्रृंगी ऋषि खीरा लाए काट के दिए दशरथ को कि ले जाओ रानियों को खिला दो, तो रानी खैली तो खीरा कट रह जान, तो 3 थे, 3 खीरा था, 3 नहीं था, 2 था, 2 खीरा ऐसा मिलता ग्रंथों में कि 2 खीरा था, 1 खीरा में 2 रानी आदि आदि खैली, आ 1 खीरा दशरथ के कई के बहुत ज्यादा मान है, तो कहाँ ला हमार बुच्ची तू पूरा खीरा ले ला 1, तो 1 आधा कई के दोनों खैली, तो उनके 2 लैका भैया, आई जो अधिका अधिका खैली कौशल्या या सुमित्रा उनके 1 भैया। ये भारत का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है जिसके लिए चड्ढी उतार के सर नीचे करके पैर ऊपर करके कूद रहे हैं, इससे बेसी ये कुछ करने वाले नहीं है। अभी कोई आएगा कहेगा कि भगवान श्री राम के 21 पिता थे, अब 21 पिता कैसे थे तो अपने तरीके से वो सिद्ध करेगा। अब धीरेन्द्र दास कहे कि राम के 5 बाप थे, मेरे तो ये समझ में ही नहीं, अब तक नहीं आ रहा है, मैं किस एविडेंस पर कहता हूं कि राम यहां पैदा ही नहीं हुए, मैं तो कहता हूं कि राम नाम का कोई था ही नहीं यार, चाहे 5 बाप हो, चाहे 1 बाप हो, चाहे खीरा पैदा हो, एक मनगढ़ंत कहानी है, इसमें कुछ है वो नहीं, क्योंकि आज तक कोई धरती पर कोई ये सिद्ध नहीं कर पाया कि मुंह से खाने वाली चीज अमाशय में न जाके सीधे गर्भाशय में जाइए, ना ही कोई डॉक्टर सिद्ध कर पाया, ना कोई साइंटिस्ट सिद्ध कर पाया, ना कोई शंकराचार्य सिद्ध कर पाया।
क्योंकि जहाँ से शंकराचार्य पैदा है वहीं से साइंटिस्ट पैदा है, वहीं से डॉक्टर पैदा है, और वहीं से पूरा समाज पैदा है, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान। पैदा होने की जो प्रक्रिया है वो एक तरीके सबकी है, लेकिन कोई मुंह से पैदा हुआ, अब इनके ग्रंथों को मैं क्या कहूँ, कोई मुंह से पैदा हुआ, कोई कीचड़ से पैदा हुआ, कोई नाक से पैदा हुआ, कोई मेघी से पैदा हुआ, कोई मच्छरी से पैदा हुआ, ये केवल हिंदू के ही धर्म ग्रंथ में पढ़ाया जाता है। बाकी पूरी दुनिया इतनी बड़ी है, जापान इतना आगे है, ऑस्ट्रेलिया इतना आगे है, चाइना इतना आगे है, अमेरिका इतना आगे है, अब तक ये इसको सिद्ध कर ही नहीं पाया। तो अब धीरेन्द्र शास्त्री उस्त्री का भैया दुकान ही हुई कि धीरेन्द्र शास्त्री एक हफ्ता का 20 लाख लेना, आमान जाके गाई ला आमान के आमान का समाज पैसा 200 रुपया देला। ये बदे कि धीरेन्द्र शास्त्री, अनिरुद्ध शास्त्री, देवकी नंदन, ये जितनी टीकाधारी हम अकेला बैठ के घींचल हर 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 पैसा, यह समाज धेनु गाय की तरह देला। ये समाज बराबर झूठ की तरफ, क्योंकि भारत की पूरी संस्कृति को, भारत के पूरे संस्कार को, भारत के पूरे धर्म को, भारत के धर्म ग्रंथों को टोटल झूठ की बुनियाद पर इन लोगों ने तैयार किया है। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज में शक्तियां नहीं होती तो माताएं बहने जहाँ पर बैठी रहती उनकी प्रवचन सुनती है, उनके शरीर में अलग प्रकार की कंपन उत्पन्न हो जाती है। अरे यार ये सब मानसिक समस्या है, मानसिक बीमारी है। जो धीरेन्द्र दास को नामे कहते हैं कि आदमी का ब्रेन हमरेज क्यों होता है, आदमी का हार्ट अटैक क्यों होता है, आदमी के शरीर में फोड़ा फुंसी क्यों होती है, वो क्या कोई शक्ति करती है? वो जो शरीर की प्रक्रिया है, शरीर के जो खानदान है, जो दिमाग की सोच है। अभी किसी भी व्यक्ति को चोर 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 सब आदमी कहने लगे वो कितना हूं बड़ा ईमानदार हो, पूरा देश ही उसको चोर कहना शुरू कर देगा। ये स्थिति यहाँ है, क्योंकि हमारे लोगों को इन लोगों ने भेंट बना दिया है। वो जो एक आदमी कहता है उनके 3% वाले पूरा वही चिल्लाते हैं, और हम लोगों में हम जैसे कर रहे हैं तो हमारे ही लोग हमारा मुंह बंद कर रहे हैं कि अरे नहीं ऐसा मत कहिए, अरे क्या कर रहे हैं भैया आप हिंदू धर्म से। भैया चूंकि मैं धर्म को मानता ही नहीं, मेरे लिए एक धर्म है केवल मानव धर्म, जिसके अंदर मानवता है, जिसके अंदर सद्भाव है, जिसके अंदर भाईचारा है, जिसके अंदर प्रेम है, जो मानव से मानव को एक की बात करता है, मैं सिर्फ उस धर्म को मानता हूँ। मैं हिंदू मिंदू लिंदू धर्म को मानता हूँ ता नहीं हूँ, किसी भी धर्म को नहीं मानता हूँ, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मैं सिर्फ मानवता को मानता हूँ कि हम सभी लोग मानव हैं। जैसे हिंदू पैदा वैसे मुस्लिम पैदा, वैसे सिख पैदा, वैसे ईसाई पैदा, वैसे क्रिश्चियन पैदा, वैसे बौद्धिस्ट पैदा। जी सर, एक आप ही के समाज के एक व्यक्ति थे 22 जनवरी को बोल रहे थे क्या राजकुमार यादव जी भी गए हैं क्या प्रतिष्ठान में? अच्छा जी, तो क्या कहला? तो मैंने कहा कि वो तो नहीं जाएंगे, तो बोल रहे नहीं वो गए होंगे। हाँ वो सही कहला ये बदे कि कुछ ऐसे दलाल भणुए हैं कि वो सब कहते हैं कि समाज को मना करते हैं, अपने सब करते हैं, और मैं इन गधाओं को कहा कि मैं अगर सब कुछ करता हूँ, मेरे घर में जो मेरा पूजा स्थल है, एनी टाइम किसी भी समय मैं तो घर नहीं रहता हूँ, आए दिन कभी झारखंड, कभी बिहार, कभी उत्तराखंड, कभी कहीं कभी कहीं, मैं तो बराबर सफर में रहता हूँ, कभी भी किसी समय कोई जा करके मेरे घर में देख ले, जो मेरा पूजा स्थल है उसमें बुद्ध, अम्बेडकर और भगवान बिरसा मुंडा, ललई यादव प्लस मेरे माता पिता संत गुरु रैदास, यही फोटो मिलेगी। मैंने जितने भी देवताओं की फोटो लगी थी सारी फोटो को उठा करके पोखरी में बहाया और अपने परिवार को मना किया कि जिसकी बहुत आस्था है वो अपने पास रखे, लेकिन मेरे इर्द गिर्द कभी ये फोटो दिखाई नहीं देनी चाहिए। आज मेरे घर में जितने भी मेरे बच्चे हैं, छोटे बड़े सारे बच्चे, कोई बच्चे अब देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, सारे बच्चे पंचशील पढ़ते हैं। अब सारे बच्चों को ये पता चल गया
हमारा कोई छोटे छोटे बच्चे हमारे कहते हैं हम लोग भूत भवानी को कहाँ भूत है, भूत लाइए हमको दिखाइए, भूत दिखाइए तब मानेंगे। तो व्यक्ति को मानसिक अधीनता से निकालने के लिए शुरू से ही निकाला जाता है, शुरू से तैयार करना पड़ता है। और ये सब माता पिता भी दुर्गा काली पूजे, अब उनको कहते हैं कि काली पूजने जाते थे अपने बच्चों को लेकर के जाइए, प्रवचन सुनने आते थे अपने बच्चों को लेकर के आइए, ताकि जो गुलामी मानसिक अधीनता माता पिता ढोए हैं, अब वह लड़का सुनो 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 तब वो बच्चे भी ढोएंगे। और मैं इसीलिए बार बार मना कर रहा हूँ अपने बहुजन समाज से, अपने पूरे भारत के मूल निवासी समाज से, कि प्रवचन में जाना, इनके मंदिरों में जाना एकदम पूर्ण रूप से आप बंद कर दो। अगर नहीं बंद करोगे तो फिर धरती पर दोबारा बाबा साहब अम्बेडकर पैदा नहीं होंगे आपको बचाने के लिए।